Hey guys, what's up? मैं पिछली बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 स्ट्रेटजीज ऑफ बायनोमो। गाइस बहुत से लोगों मेरे को क्वेरीज आती रहती है, मैसेज आते रहते हैं कि सर आपने इतनी सारी स्ट्रेटजीज अपलोड कर रखी हैं, उनमें से बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है। सो गाइस सबसे पहले मैं मिथ क्लियर करता हूँ, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी बेस्ट या अच्छी या बुरी नहीं होती है। हर स्ट्रेटजी का अपना रोल होता है, हर एक इंडिकेटर का अपना रोल होता है, कोई भी इंडिकेटर अच्छा बुरा नहीं होता है, बस आपको उसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। हाँ, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है, जिनकी श्योरिटी ज्यादा होती है, अच्छी तरीके से आपको सिग्नल्स देते हैं, तो वो चीजें होती हैं। उसी के बेसिस पे जो मुझे लगती है मेरे को सबसे ज्यादा जिन इंडिकेटर्स जिन स्ट्रेटजीज ने प्रॉफिट करवाया वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो कैसे यूज करनी है, क्या टाइम फ्रेम यूज करना है वगैरह सब आपको वीडियो पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गया तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। 1 से 2 सेकंड लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थर्ड स्ट्रेटेजी जिसने मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिलाया वो है ईएमए प्लस आरएसआई। ईएमए आपको यहाँ पर 2 यूज करने हैं, डबल ईएमए प्लस आरएसआई। इसकी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर आप वो जाकर देख सकते हैं सारी वैल्यूज आपको कैसे यूज करनी है। 2 ईएमए की वैल्यू 1:5 रखनी है, 1:50 रखनी है, किस तरीके से आपको ईएमए से आपको इंडिकेटर मिलेगा, कैसे आपको आरएसआई इंडिकेटर देगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट भी है एंड काफी एक्यूरेट भी है। ईएमए थोड़ा सा लेट सिग्नल देता है बट अगर हम दोनों कॉम्बिनेशन देखें तो बहुत ही प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन ये है। सेकंड नंबर पर आती है यहाँ पर आरएसआई प्लस सीसीआई प्लस मोमेंटम, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी है स्ट्रेटजी की, उस वीडियो में आपको ये स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करी हुई है। 3 इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको यूज करने होते हैं, तीनों में से आपको 2 अगर सिग्नल दें तब आपको ट्रेड प्लेस करनी होती है। वो 2 सिग्नल कैसे देते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। तीनों इंडिकेटर्स अगर आपको सिग्नल दें तो वेल एंड गुड है, 2 देते हैं तब आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। सारे एक्सपेक्ट मैंने उसके अंदर दिखा रखे हैं वीडियो के अंदर, कहां पर आपको ट्रेड प्लेस करनी है, कैसे, अगर कौन से 2 इंडिकेटर सिग्नल तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्नल कौन से 2 इंडिकेटर अगर आपको सिग्नल देते हैं तो आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने डिटेल में आपको समझा रखी है उस वीडियो के अंदर, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर्टिकुलरली तीनों जो मेरी स्ट्रेटजीज और टॉप 3 स्ट्रेटजी, तीनों स्ट्रेटजीज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं नंबर 1 स्ट्रेटजी जिसने सबसे ज्यादा मेरे को प्रॉफिट कराया, सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस स्ट्रेटजी की रही है मेरे लिए, आप लोगों के लिए रही हो या नहीं वो आप लोगों को पता होगा, कमेंट सेक्शन में तो मेरे को अच्छे रिव्यूज देखने को मिले थे। वो स्ट्रेटजी क्या, उससे पहले मैं आपको बता दूं अगर आपने डायमंड सिग्नल ग्रुप ज्वाइन नहीं कराया अभी तक तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। बायनोमो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रजिस्टर करने का, उसी के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं डायमंड सिग्नल ग्रुप। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है मेरी लास्ट 1-2 वीडियोस के अंदर, जहां पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी और एक डायमंड सिग्नल ग्रुप के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी अपलोड करी है, वो जाकर आप देख सकते हैं। फिर टेलीग्राम की ऑफिशियल आईडी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, फिर मैं उसके बाद में आपको डायमंड सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ओके, सो गाइस फर्स्ट नंबर पे आती है यहाँ पर पैराबोलिक सार स्ट्रेटजी, जो मेरे लिए बहुत ही इफेक्टिव रही है, मेरे को अच्छा खासा उसने प्रॉफिट कराया है, क्योंकि अगेन मैं आपको यही बता रहा हूँ कोई भी स्ट्रेटजी अच्छी बुरी नहीं होती, बट जो आपके लिए अच्छा वर्क करता है वही आपके लिए बेस्ट है ना। तो यही बात है, मेरे लिए पैराबोलिक सार स्ट्रेटजी बहुत ही इफेक्टिव रही है। वो वीडियो भी मैंने अपलोड करी हुई है चैनल पर, उसको काफी टाइम हो गया है, अगर आपने अभी तक भी नहीं देखी तो अभी की भी आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तीनों स्ट्रेटजीज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा, और जाकर देखना इस वीडियो के बाद अच्छे से समझना कैसे पैराबोलिक सार सिग्नल्स देती है, अपवर्ड डायरेक्शन में कब जाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब जाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में कंप्लीटली मिल जाएगी, क्योंकि मैं हमेशा मल्टीपल ट्रेड्स के साथ जाता हूँ, एक ट्रेड के साथ आपको कभी भी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, इसलिए आपको हर एक एक्सपेक्ट देखने को मिल जाएगा स्ट्रेटजी का कि कहाँ पर स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव हो रही है। ओके, सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर आप कर ही दोगे, और चैनल पर नए हो तो अभी के सब्सक्राइब कर दीजिए, 1 से 2 सेकंड लगते हैं, अभी के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ऐड नहीं हुए तो वहां पर सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट्स के साथ, ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के साथ मिलते हैं हमारे आगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए यूज करो स्ट्रेटजी को और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रही है, एंड आपका ऑर्डर क्या है टॉप 3 स्ट्रेटजीज का जो आपने यूज करी है, स्पेशली उनका ऑर्डर क्या है, कौन सी आप स्ट्रेटजी आपको बेस्ट लगती है, और अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर के ऊपर वीडियो चाहिए कि सर इस इंडिकेटर के ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन बता सकते हो, अगर ज्यादा कमेंट्स होंगे उस इंडिकेटर के बारे में तो मैं वो वीडियो भी ऑब्वियसली आपके लिए लिख रहा हूँ। चलिए वीडियो पे एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।